आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा कि मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट करवाया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर जो है वो समझ में आएंगे, तो फिर आप आगे जो है इस पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसमें मैंने पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर जो आपको समझाए थे उसमें आपको बताए थे कि ये फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो फोर पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और आपको याद होगा जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम का पार्ट है उसको मैंने आपको बताया था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट जो है वो हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन का। ठीक है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसी से ही रिलेटेड है। आप ओपन द बुक पेज नंबर 105। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि जो पॉलिनेशन होती क्या है। पॉलिनेशन होती है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन कहाँ होते हैं इसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर समझाया था उसमें बताया था कि पोलन ग्रेन कहाँ होते हैं। पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये किसकी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ? जी हाँ, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ स्टैमेन की। ठीक है, यानी कि स्टैमेन मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, ये इसका एंथर का पार्ट है और इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, और इस पूरे यानी कि ये पूरा जो एक हिस्सा है इसको मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या कहलाता है, ये दोनों मिला के इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैमेन। और इसके पूरे होरल को मैंने आपको क्या समझाया था, इसको क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम पूरा होरल कहलाता है और इसको हम मेल पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो है मेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद अभी मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, जो आपको डेफिनेशन समझाई थी कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, उससे ही रिलेटेड, तो इसलिए जो है मैं आपको ये ड्रॉ करके बता रही हूँ। अब ये जो प्रोड्यूस करते हैं, मैंने आपको बताया था सर्कल लाइक इस तरह छोटे छोटे इसमें मौजूद होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से मौजूद होते हैं पोलन ग्रेन। और आपको बताया था ना फ्लावर में ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, इनकी शेप, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। और इसके बाद जो है मैंने आपको एक और पार्ट बताया था जिसको क्या कहा गया था, ये स्टैमेन था, वो कहते हैं कार्पल भी हम कहते हैं इसको, पिस्टिल भी कहते हैं, और इसके पूरे होरल को क्या बताया था आपको, जी हाँ, गाइनोशियम। ठीक है, ये इस तरीके का पार्ट था। ठीक है, इसके जो सबसे ऊपर का पार्ट था इसको मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं स्टिग्मा, ये वाला हिस्सा स्टाइल, और ये वाले हिस्से को ओवरी। ठीक है, और इस को हम जो होरल पूरा जो हम कहलाते हैं वो क्या कहलाता है, गाइनोशियम कहलाता है। और जो सिंगल इसका पार्ट है इसको हम क्या कह रहे थे, यानी कि ये तीनों मिलके क्या हिस्सा बना रहे हैं, कौन सा पार्ट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कार्पेल, और यहां हम इसको पिस्टिल भी कहते हैं।
और इसके पूरे होरल को हम क्या कहते हैं, गायनोशियम। ठीक है, ये तो हो गया इसका। और इसको हम फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर भी कहा जाता है इस पूरे पार्ट को। और ये क्या प्रोड्यूस करता था, ये इसमें यहाँ पे मौजूद होते थे, इसको कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल। मैंने पूरा फ्लावर ड्रॉ नहीं किया है, इसका अगर हम ये ड्रॉ करें तो इसके नीचे इसी तरीके से जो है वो कैलेक्स और जो प्रोला यानी कि पेटल्स वगैरह मौजूद होंगी। लेकिन अभी मुझे आपको पॉलिनेशन समझाना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को ड्रॉ किया है। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है, क्या बताई थी आपको, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन यानी कि ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ से निकल के, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर क्या पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, इस फीमेल का इसका ऊपर वाला पार्ट है। तो यानी कि जो एंथर है से पोलन ग्रेन, यानी कि ये पोलन ग्रेन क्या हुआ, ये यहाँ से जो है आते आते ये कहाँ पे पहुंच गया, इस स्टिग्मा पर। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब यकीनन आपको डेफिनेशन पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि पोलन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचना, यानी कि फीमेल पार्ट के ऊपर तक पहुंचना, तो ये क्या कहला रहा होता है, ये प्रोसेस करा रहा होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो इसका जो एक स्टेप है ये होता है कि ये यहाँ से जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब जो है हम इस पे आते हैं, इसकी टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, पॉलिनेशन की टू टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है, सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहा जाता है कि अगर जो है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि एंथर से जो है पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं द सेम, यानी कि एक ही फ्लावर पे अगर जो है वो क्या मौजूद है, मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, तो ये पोलन ग्रेन जो है इसी से इसी में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बाद दूसरी इसकी टाइप क्या होती है, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरी टाइप क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि एंथर जो है एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, ठीक है, लेकिन हो वो क्या, सेम काइंड, यानी कि जिस प्लांट का ये फ्लावर है, ठीक है, उसी जैसा दूसरा प्लांट उसकी काइंड जो है वो मौजूद हो और उस तक वो पहुंच जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, दूसरा फ्लावर भी, यानी कि अगर कोई दूसरा फ्लावर यहाँ पे मौजूद है तो उसका भी क्या मौजूद होगा, जैसे ये एक पार्ट है इसका, ये फीमेल पार्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह हम इसमें बनाए, इसका ये मेल पार्ट आ गया।
ठीक है, ये इसका हो गया। इसी तरह इसमें भी मौजूद है पोलन ग्रेन, और इसमें भी ओव्यूल मौजूद है। ठीक है, ये इसी तरह पार्ट से सारे के सारे इन्हें यहां ड्रॉ किया, यानी कि ये दूसरा एक फ्लावर है। तो अब मैं आपको क्या बता रही थी, जैसे कि यहां से निकल के यहां तक पहुंच रहे हैं, इसी में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमारी सेल्फ पॉलिनेशन है। और होता क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अब क्या होता है, बासफे ऐसा होता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये अपने ही फ्लावर में नहीं जाएगा, बल्कि क्या होता है, ये किसी दूसरे जो फ्लावर सेम काइंड यानी कि स्पीशीज इसके एक है, एक ही काइंड का यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ से निकल के यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, यानी कि किसी दूसरे फ्लावर तक पहुंच गया, लेकिन उसकी काइंड जो है वो एक ही है। ठीक है, एक ही काइंड है। आप उसमें जो है जिस तरीके से, जैसे एप्पल का प्लांट है तो उसी के ही जो है उसके दूसरे फ्लावर तक उसमें पहुंचेगा, यानी कि मैंगो के प्लांट तक पहुंच गया। ठीक है, इसमें यानी कि सेम काइंड का जो वर्ड यूज हो रहा है उसके लिए मैंने आपको बताया, यानी कि क्या हुआ, ये दूसरे फ्लावर तक पहुंच गया, दूसरा एक प्लांट मौजूद है उसमें भी फ्लावर्स मौजूद है, एक में भी मौजूद है, यहां से यहां। तो ये क्या कहला रही होती है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, और इसके नीचे भी यानी कि जो अगर पूरे पार्ट्स का जिक्र करें तो इसके नीचे सारी बातें जो फ्लावर की जो है स्टॉक वो भी मौजूद होगी, इसका जो है कैलेक्स का पार्ट जो बताए थे ये भी जो है वो यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें जो है क्या मौजूद होता है, इसमें जो है पेटल्स मौजूद होती है। ठीक है, ये पूरा पार्ट्स था जो उसमें जिस तरह पेटल्स वगैरह फ्लावर का पूरा पार्ट्स था जो इस तरीके से है कि दो पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आज का टॉपिक क्या था, पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स। ठीक है, सेल पॉलिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, एक ही फ्लावर से जा रहे हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब ट्रांसफर हो रहे होते हैं सेम काइंड के, तो ये कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, ये जो ट्रांसफर होते हैं ये पोलन ग्रेन ये होते किस तरह है, ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ मेथड में मुख्तलिफ जो है एजेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं थोड़ा सा इसमें बता दे रही हूँ, ये बाय इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बाय एयर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो है इंसेक्ट्स के जरिए, अगर एक मैं आपको बता दे रही हूँ आज ही के दिशा, इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स यहाँ पे बैठते हैं तो क्या होते हैं, उनके लेग्स में उनके विंग्स में ये पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, जब वो उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे तो वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफर इस तरीके से इनके पोलन ग्रेन का होता है। तो आज तक के लिए जो आपको ये इतना ही मैंने समझाया, इसके बाद मैं एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी, वो भी देखिएगा आप, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी। पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। On the other hand, if pollen is transferred from one flower to the flower of another plant of the same species, it is known as cross-pollination. The agents of cross-pollination are wind, water, or animals. You must have seen the honeybees sitting on flower. In the absence of honeybees, the yield of sunflower goes down tremendously. Why? Answer. Honeybees are pollinators of sunflower. In the quest of nectar, they visit the flowers and carry pollen from one flower to another. Due to such pollination, the yield of sunflower increases. In the absence of honeybees, the pollination does not occur in sunflower. क्लास अब होमवर्क देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 तक करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप।
क्योंकि सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखना है पॉलिनेशन की, और फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की हेडिंग डालिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और फिर इन दोनों की भी डेफिनेशन लिखना है। ये तीनों डेफिनेशन आप जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में जिस तरह कोटेशन में लिखवाती हूँ वैसे ही लिखिएगा, दोनों साइड पर जो है स्पेस को लीव कीजिएगा, और ये सेंटर में आपने लिखनी है तीनों डेफिनेशन, ठीक है। ये आपका जो है वो रिटर्न का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यानी 14 आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। इसके सामने आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, कॉपी को जो है अपना टर्न करके बनाइएगा ताकि स्पेस मिल जाए, और इसको इसी तरह आमने सामने करके ही बनाइएगा क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है एरो से शो हो रहा है, और इसको ऊपर और नीचे डायग्राम ड्रॉ नहीं कीजिएगा कि एक आप ऊपर करें एक नीचे कर दें, तो इस तरह जो इसका क्रॉस पॉलिनेशन है वो नज़र नहीं आएगा। तो इसको इसी तरीके से बनाइएगा बिल्कुल जैसे आपको दिखाई जा रही है, और इसी तरह लेबलिंग आप कीजिएगा साइड पे जिस तरह लेफ्ट और राइट साइड पे की गई है, और हेडिंग्स के नीचे सिर्फ अंडरलाइन कीजिएगा। लेबलिंग के नीचे जो है वो अंडरलाइन नहीं होती है, लेबलिंग के नीचे कोई अंडरलाइन नहीं करें, सिर्फ हेडिंग्स जो है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसके नीचे जो है आपने अंडरलाइन करना है, कलर भी करना है इस डायग्राम में आपने, और लेबलिंग भी जिस तरीके से आपको बताई गई है सारी लेबल आपने लिखनी है, ठीक है। ये इसके सामने हो जाएगी आपकी, तो इस तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा ये काम। आज तक के लिए आपका ये इतना ही वर्क था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।